हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड एंड सेफ। आई एम योर हिंदी टीचर। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ हिंदी फॉर LKG। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका हाफ ईयरली सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और हम अब आपको रिवीजन वर्क की वीडियो सेंड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छे से उसे देखिए, सुनिए और समझिए और करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए हम आज का वर्क स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रंस, हमारा आज का वर्क है मिलान करो। अ से आह तक अक्षरों का चित्रों के साथ मिलान करो वर्क हम आज करेंगे, जो कि रिटर्न वर्क है। तो हम सबसे पहले डेट लिखेंगे, 22 सितंबर 2020, और यहाँ पर हम लिखेंगे रिवीजन। ओके बच्चों, फिर फर्स्ट लाइन में हम हेडिंग लिखेंगे, मिलान करो। आप भी देखते रहिए मेरे साथ साथ और समझते रहिए। फर्स्ट लाइन में हम लिखेंगे मिलान करो। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे पिक्चर बनाई है, लाइन से 8 पिक्चर बनाई है। ठीक है बच्चों, और इस साइड मैंने अक्षर लिखे हैं। तो पिक्चर से अक्षर को मिलाएंगे और अक्षर से पिक्चर को मिलाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पिक्चर बनाई है ईक की, ईक। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमने बड़ी से ईक कहाँ लिखा है। तो हमने यहाँ पे सेकंड लाइन में बड़ी से ईक लिखा है, तो हम बड़ी से ईक को चित्र तक मिलाएंगे। ये देखिए, यहाँ से आप ऐसे लेके जाओगे और ऐसे मिलाओगे। ठीक है, उसके बाद हमने पिक्चर बनाई है ऊन, ऊन। तो ऊन हम कहाँ पे लिखा हुआ है वो हम ढूंढेंगे और चित्र से अक्षर को मिलाएंगे। तो ऊन हमने बड़ा ऊ से ऊन यहाँ लिखा है, बड़े ऊ से ऊन से यहाँ से लाइन लाएंगे और ऐसे हम इसको मिलाएंगे। तो देखिए, अक्षर से पिक्चर मिल रही है तो हम आसानी से ढूंढ लेंगे बड़े ऊ से ऊन कहाँ है। ठीक है बेटा, फिर हमने देखिए क्या पिक्चर बनाई है, अंग से अंगूर, और उसके सामने हमने आ लिखा है, लेकिन हमें आ से नहीं मिलाना ना, हमें तो अंग से अंगूर से मिलाना है। तो अंग से अंगूर हमने कहाँ लिखा है, हम ढूंढेंगे और अंग से अंगूर से चित्र से अक्षर को मैच करेंगे। देखिए, ठीक है, हो गया। अंग से अंगूर का चित्र से पिक्चर को मैच हमने कर लिया है। फिर ये देखिए, ये आ से आम लिखा है, आ से आम, और आ से आम की पिक्चर कहाँ बनी है, यहाँ बनी है। तो आ से आम की पिक्चर से अक्षर को हम मैच करेंगे, आ से आम। देखिए, चित्र से अक्षर को हमने मिलाया है। फिर ये कौन सी पिक्चर बनी है, उल्लू की पिक्चर बनी है। तो उल्लू जहाँ पर लिखा है, हम उससे चित्र से अक्षर को मिलाएंगे, उसे उल्लू। ठीक है बेटा, इसके बाद देखिए पिक्चर बनाई है ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक हमने सामने लाइन में लिखा है और हम उससे इसे मैच करेंगे, ऐसे ऐनक को पिक्चर से मैच करेंगे, या फिर अक्षर से पिक्चर को मैच करेंगे, या पिक्चर से अक्षर को, सेम सेम, सेम अक्षर सेम पिक्चर। ठीक है बेटा, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, ए से एड़ी, ए से एड़ी लिखा है और हमने ये यहाँ पे बनाई है पिक्चर। तो हम ए से एड़ी को ए से एड़ी से मैच कराएंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद ये नीचे पिक्चर बनाई है ओ से ओखली की। तो ओ से ओखली
को ओ से ओखली से हम मैच कराएंगे। ये लीजिए, ऐसे बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। आप लोग इसे बहुत बार कर भी चुके हो तो आपको बहुत जल्दी से ये समझ आ गई होगी, है ना। अभी हम फिर से एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले डेट लिखेंगे, ऊपर रिवीजन लिखेंगे, फर्स्ट लाइन में हम हेडिंग लिखेंगे मिलान करो। जो वर्क हम करते हैं उसकी हेडिंग हम फर्स्ट लाइन में लिखते हैं, मिलान करो। इसके बाद हम कुछ पिक्चर्स बनाएंगे और उनसे ही मिलते हुए अक्षर सामने लिखेंगे, ठीक है, और फिर उनको हम मैच करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ई से ई की पिक्चर बनाई थी, तो मैंने बड़ी ई से ई को से मैच करा है, ई की पिक्चर बनाई है और बड़ी ई से ई जहाँ पे लिखा है उससे इसको मैच करा है। वैसे ही उसके नीचे देखिए ऊ से ऊन बनाया है और उसको बड़े ऊ से ऊन जहाँ पे लिखा है वहाँ से उसको उसको मिलाया है। फिर नीचे हमने इसके नीचे देखिए अंग से अंगूर बनाया है पिक्चर और उसे अंग से अंगूर जहाँ पे लिखा है वहाँ से हमने उसे उसको मिला दिया है, ठीक है। फिर उसके नीचे उसे उल्लू देख रहे हो ना आप, उसे उल्लू जहाँ पे लिखा है वहाँ पे हमने उसको लाइन से मिला दिया है, ठीक है। फिर नीचे आ से आम पिक्चर के साथ हमने आ से आम वाले अक्षर को मिला दिया है। देखिए कितना आसान है ना बेटा। इसके बाद फिर हमने आई से ऐनक को ढूंढा है कहाँ पे लिखा है और फिर हमने उसे मिला दिया है, ठीक है। इसके बाद फिर ए से एड़ी यहाँ बनी है, हमें उसे ए से एड़ी अक्षर से मिलाना है, तो हमने ढूंढा और उसको ए से एड़ी को ए से एड़ी वाले अक्षर से मिला दिया है। फिर नीचे ओ से ओखली है, ओ से ओखली को हमने जहाँ पे ओ से ओखली लिखा है अक्षर वहाँ पे उसको लाइन से मिला दिया है। तो इस तरह से आप करेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है। इसको आप बार बार रिवाइज करिए, ठीक है बेटा, और बार बार करते रहिए। आपको समझ ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप मम्मी से पूछ सकते हो अपनी, ठीक है, हमसे पूछ सकते हो आप, आपको जो भी पूछना है, और अच्छे से आप इसको लर्न कर लीजिएगा। ये आपने कई बार नर्सरी में भी किया है, फिर हमने आपको आपके सिलेबस में भी कराया है, ठीक है बेटा। अच्छे से करना, समझना और लर्न करना, ओके। चलिए अभी हम ओरल वर्क करें, रिटर्न वर्क हमारा कंप्लीट हो गया है, आप इसका होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम ओरल वर्क करेंगे आज का। बच्चों हमारा आज का ओरल वर्क, हम पोयम लर्न करेंगे, ठीक है। तो ये पोयम हम इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको पढ़ा चुके हैं, हम इसका फिर से आज रिवीजन करा रहे हैं आपको, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आप रिपीट करिए और अच्छे से लर्न कर लीजिए। चलिए आज की पोयम का शीर्षक है सड़क। तो हमारी आज की पोयम का नेम है सड़क, जो कि हम अब लर्न करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ साथ आप बोलते रहिए साथ साथ। सड़क बनी है लंबी चौड़ी, सड़क बनी है लंबी चौड़ी, उस पर चलती मोटर गाड़ी, सड़क बनी है लंबी चौड़ी, उस पर चलती मोटर गाड़ी। सड़क लंबी चौड़ी बनी होती है, पता है ना आपको, उस पर क्या चलती है, मोटर गाड़ियाँ चलती हैं। सब बच्चे पटरी पर आओ, सब बच्चे पटरी पर आओ, सड़क के साइड में जो पटरी बनी होती है उस पर आपको बोला जा रहा है कि सब बच्चे पटरी पर आओ, पटरी पर चलना चाहिए सबको, बीच में नहीं चलना चाहिए सड़क पर, बीच सड़क पर कभी ना जाओ, सड़क के बीच में कभी नहीं चलना चाहिए। तो सब बच्चे पटरी पर आओ, बीच सड़क पर कभी ना जाओ, दौड़ोगे तो गिर जाओगे,
चोट लगेगी पछताओगे। और इस पोयम में आपको बताया जा रहा है, अगर आप दौड़ोगे तो गिर जाओगे, फिर चोट लगने पर पछताना हो जाता है ना, फिर हम पछताते हैं, अरे हमें क्यों दौड़े, बेकार में गिर गए, चोट लग गई। तो इसमें आपको समझाया जा रहा है, सड़क पे दौड़ते नहीं है, चोट लग जाती है, तो बीच सड़क पर कभी नहीं जाना है, पटरी पर चलना है। ठीक है, चलिए हम इसको रिवाइज करते हैं। सड़क बनी है लंबी चौड़ी, उस पर चलती मोटर गाड़ी, सब बच्चे पटरी पर आओ, बीच सड़क पर कभी न जाओ, दौड़ोगे तो गिर जाओगे, चोट लगेगी पछताओगे। आप ये पोयम लर्न करना बार बार, और अपने मम्मी पापा को भी बार बार सुनाते रहना, फिर आप उससे भूलोगे नहीं, आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगी। ठीक है, चलिए मेरे साथ रिवाइज करिए। सड़क बनी है लंबी चौड़ी, उस पर चलती मोटर गाड़ी, सब बच्चे पटरी पर आओ, बीच सड़क पर कभी न जाओ, दौड़ोगे तो गिर जाओगे, चोट लगेगी पछताओगे। अब इस पोयम से देखिए आप क्या सीखते हैं, ये पोयम तो आपको लर्न हो ही जाएगी, साथ में आप कितना कुछ सीख भी जाओगे कि हमें पटरी पर चलना है, हमें बीच सड़क पर कभी नहीं चलना चाहिए, सड़क के बीच में नहीं चलना चाहिए, और हमें सड़क पर दौड़ना भी नहीं चाहिए, फिर गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, हमें संभल कर चलना है, ध्यान से चलना है। ठीक है, देखिए कितना कुछ आपको सीखने को भी इस पोयम से मिलेगा, तो आप इसको बार बार लर्न करेंगे, एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट कर लीजिए। सड़क बनी है लंबी चौड़ी, उस पर चलती मोटर गाड़ी, सब बच्चे पटरी पर आओ, बीच सड़क पर कभी न जाओ, दौड़ोगे तो गिर जाओगे, चोट लगेगी पछताओगे। ठीक है बच्चों, ये पोयम आप लर्न करिए अच्छे से और मज़े से खूब रहिए, और मम्मी पापा को सुनाते रहिए, भूलना नहीं है आपको ये। ठीक है, चलिए आज का वर्क हमारा कंप्लीट हो गया है। बाय, टेक केयर।